थाना साहिबाबाद के सनी चौकी क्षेत्र में दो हफ्ते पूर्व एक महिला के साथ चैन स्नेचिंग की घटना कारित हुई थी, जिसके अनावरण के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर एक लुटेरे को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजू पुत्र नैनसुख नंद नगरी का रहने वाला बताया। उसने बताया कि अपनी महिला साथी के साथ मिलकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया। इससे पूर्व भी लगभग एक दर्जन घटनाओं को वह अंजाम दे चुका है दिल्ली तथा गाजियाबाद के क्षेत्रों में। उसने बताया कि गन पॉइंट पर लेकर के और कभी कभी ऐसे ही वो चैन स्नेचिंग की घटना कारित किया करता था। पूछताछ में बताया कि बॉर्डर एरिया से वह घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद करा सकता है। पुलिस टीम जब उसको लेकर के तमंचा बरामद करने के लिए पहुंची, अंधेरे का फायदा उठा करके तमंचा निकाल करके भागने लगा और पुलिस टीम को लक्ष्य करके उसने फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ, उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस तथा लूट से संबंधित कुछ रुपए बरामद हुए हैं। उसके महिला साथी की तलाश की जा रही है। घायल को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।